उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां एक शख्स को सरेआम गोली मारी गई। डायनामाइट न्यूज संवाददाता के मुताबिक गोली कांड की एक घटना थाना दोहरीगाट क्षेत्र में कादीपुर हाईवे की है। बताया जाता है कि पुरानी रंजिश को लेकर 50 वर्षीय व्यक्ति को पीछे से कंधे पे गोली मारी गई। पुलिस ने आनंद फानंद में घायल को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिस शख्स को गोली मारी गई उसकी पहचान मयंक चौहान के रूप में की गई है। घायल मयंक चौहान ने अपने ही गांव के सीताराम चौहान पर हमला करने का आरोप लगाया है। पुलिस का कहना है कि इस घटना को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुरानी रंजिश को लेकर गोली कांड को अंजाम देने की बात की जा रही है। पुलिस का कहना है कि घटना में जो भी शामिल होगा उसके खिलाफ जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज थाना दोरीघाट में 10:30 और 11 बजे के बीच एक घटना घटित हुई, जिसमें एक मयंक चौहान नामक व्यक्ति है जो कि गांव तारनपुर का रहने वाला है, वो अपने गांव से कोटा की तरफ हाईवे से आ रहा था, तो उसको पीछे से दो व्यक्तियों द्वारा गोली मारी गई जो उसके हाथ में लगी है। और उसको पहले उसको जो प्राथमिक अस्पताल है दोरीघाट में वहाँ भर्ती कराया है, तो यहाँ से उसको मऊ जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। ये जो मयंक चौहान नाम का व्यक्ति है, ये अपने ही गांव का एक व्यक्ति सीताराम चौहान की हत्या 2017 में हुई थी, उसमें नामजद था, जेल गया था, मुकदमा ट्रायल पर है। और जो सीताराम इत्यादि के लड़के पर आरोप लगा रहे हैं और सभी सत्यों की जानकारी की जा रही है। जो भी लोग इस घटना में शामिल होंगे उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। आरोपियों की तलाश जारी है। गोली कांड को लेकर क्षेत्र में दहशत का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज़, मऊ।